सो वेल गाइज, आप इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हो और करते करते आपको दिखता है कुछ इस तरीके का पिक्चर, और आप सोचते हो क्यों ना आप भी ऐसे ही पिक्चर एडिट कर सको। तो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कुछ अपनी पिक्चर इस तरीके से एडिट कर सकते हो, वो भी जस्ट कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और अपने ही फ़ोन में आप ऐसी पिक्चर्स एडिट कर सकते हो। तो गाइज़, पूरी वीडियो देखना, और जितने भी एलिमेंट्स है, PNG फाइल्स है या फिर JPG फाइल्स है, मैं सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अपने गूगल ड्राइव का, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज़, मैंने पहले भी ऐसी ही कुछ वीडियोज़ बना रखी है, तो गाइज़ उनको भी जाके देख लेना। और गाइज़, वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और गाइस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है उसको जाकर प्रेस कर देना, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन का ऑप्शन होगा उसको जाकर भी प्रेस कर देना, ताकि आप मेरी कोई अगली वीडियो मिस ना कर पाए। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोल रखा था पहले से कि हमारे चैनल में ऐसी वीडियो अब बस आती ही रहेगी, क्योंकि हमारे पास अभी करने को कुछ नहीं है, अभी चल रहा है लॉकडाउन। तो गाइस, मैं छोटे छोटे ऐसे ट्यूटोरियल बनाऊंगा, और गाइस आप उनको घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो वेल गाइज, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, और हमको ओपन करना पड़ेगा सबसे फर्स्ट में अपना लाइट रूम मोबाइल, और हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा वही पिक्चर जो हम एडिट करने वाले हैं। सो गाइज, हम इंपोर्ट कर लेते हैं वो पिक्चर। सो वेल गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने पिक्चर कर ली है इंपोर्ट। तो गाइज़, ये एक छत पे नॉर्मल पिक्चर हमने क्लिक करी है। तो गाइज़, इस पे हमें थोड़ा सा डार्क लुक चाहिए, इसलिए फर्स्ट हमको इसको लाइट रूम में लाना पड़ा, ताकि हम थोड़ा सा लाइट इन्हेंस कर सके, इसका थोड़ा डार्क इसको कर सके। सो गाइज़, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसका एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट कम कर रहा हूँ, और वही साथ ही साथ शेडो भी इसका कम कर रहा हूँ। तो गाइज़, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने वाइट भी थोड़ा सा कम करा, और ब्लैक को बिल्कुल थोड़ा सा कम करके छोड़ दिया। तो गाइज़, अब हम जाएंगे टेम्परेचर में, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करेंगे, और ह्यू को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। सो गाइज़, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक ब्लू टोन आ चुकी है इसमें। और गाइज़, वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग, और सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करते हैं। और गाइज़, अभी आता है कलर मिक्स में। कलर मिक्स में आने के बाद गाइज, हमने ब्लू को बिल्कुल डाउन कर दिया है सैचुरेशन इसका, और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा कम करा है। और गाइज, जैसे कि हमारा फेस कलर है ऑरेंज, इसको थोड़ा सा इसका ल्यूमिनेंस बढ़ाएंगे, ताकि ऑरेंज कलर और ब्राइट आए। और गाइज, थोड़े थोड़े जगह पे पिंक आ रहा है जैसे कि हमारे पिक्चर में, तो हम पिंक का भी ल्यूमिनेंस बढ़ाएंगे और पर्पल का भी ल्यूमिनेंस बढ़ाएंगे। फिर गाइज, हम आते हैं क्लैरिटी पे, क्लैरिटी हम थोड़ा सा इसका बढ़ाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, हमारे पिक्चर में बहुत सी चेंजेस आ गई है। पहले वो कितनी ब्राइट थी, अभी इसको हमने थोड़ा सा डार्क लुक कर लिया है। और गाइस, हमने थोड़ा सा सेलेक्टिव टूल का भी यहाँ पे यूज़ करा है, नीचे से थोड़ा सा इसका एक्सपोजर कम करा है हमने, ताकि नीचे से ये थोड़ा सा डार्क लगे और ज़्यादा। वेल गाइज, इसी के साथ हमारी हो चुकी है यहाँ पे थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग पिक्चर की, जो ये थोड़ा सा ब्राइट था उसको हमने डार्क मोड में कर लिया, थोड़ा सा डार्क मोड ही इफेक्ट आ गया इसमें। सो गाइज, यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं और ओपन करते हैं अपना पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट ओपन हो रहा है हमारे फ़ोन पे। तो गाइज, पिक्सआर्ट एक ऐसा ऐप है जो, मतलब आप इसको कह सकते हो कि ये मिनी फोटोशॉप है, इसमें सारे फीचर्स है फोटोशॉप वाले ही। बाय द वे, नॉन स्पॉन्सर्ड है गाइज। तो गाइज, पिक्सआर्ट ओपन हो गया है हमारा, और हम यहाँ पे ड्राइंग में जाएंगे, और ड्राइंग में जाके गाइज हमको न्यू फोटो लेना है। देखिए, जैसे इसमें लिखा है ड्रॉ फोटो, हम उस पर क्लिक करके हमने जो अभी लाइट रूम में फोटो कलर ग्रेड करा है उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। सो गाइज, हमारा फोटो हो चुका है यहाँ पे पिक्सआर्ट पे इंपोर्ट। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फुल रेजोल्यूशन में यहाँ पे फोटो आ चुकी है। हम ऊपर से जाएंगे लेयर्स में, राइट हैंड साइड में है लेयर्स, वहाँ पे हम जाएंगे और जो एम्प्टी लेयर है उसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे, और हमारे जो मेन लेयर है उसको क्लिक करके जस्ट हमें इरेज वाला टूल में जाना है, और ओपेसिटी इसकी बढ़ा देनी है, और साइज़ भी बढ़ा के बस हमें इरेज करना है जो पार्ट हमें नहीं चाहिए। मतलब गाइज, हमको बैकग्राउंड रिमूव करना है, ताकि हम इसमें दूसरा बैकग्राउंड लगा सकें। सो गाइज, ये जो पार्ट है मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, क्योंकि गाइज ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, और मैं अपने फोटो को बहुत ही बढ़िया से बैकग्राउंड इसका रिमूव करता हूँ। तो गाइज, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी इसको टाइम लगा के ही बैकग्राउंड रिमूव करिएगा।
सो गाइज हम दोबारा लेयर में क्लिक करेंगे और एम्प्टी लेयर में प्रेस करके ऐड अ फोटो में जाएंगे। ऐड अ फोटो में मैंने जेपीजी एक फाइल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर लेना। ये जो पिक्चर है हमारी बैकग्राउंड के लिए, आप डाउनलोड कर लेना और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने ही पिक्चर के बैकग्राउंड में। सो गाइज हम देख लेते हैं कहाँ पर ये फिट आता है। तो गाइज यहाँ पर ये फिट आ रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बस ऊपर वाला जो लेयर अभी लिया उसको ड्रैग करके नीचे कर दिया, तो देखिए कैसे हमारा जो मेन लेयर है वो ऊपर आ गया और जो हमने बैकग्राउंड लिया वो पीछे आ गया। तो गाइज़ हम एम्प्टी लेयर और एक लेंगे और एक ऐड फोटो करेंगे। ये भी जो मैं अभी जेपीजी फाइल यूज़ कर रहा हूँ इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। गाइज़ मैं बार बार नहीं बोलूँगा, गाइज़ सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। सो गाइज यहाँ पे ये फोटो आ चुका है जहाँ पे ओपेसिटी के ऊपर नॉर्मल लिखा रहा है। ब्लेंडिंग मोड जो हमारा है इसको हमको स्क्रीन कर देना है और इसको फिट बिठाना है। ऐसा लगना चाहिए हमारे सब्जेक्ट ने इसको, ये एक फैंसी लाइट है जो अपने हाथ में पकड़ रखा है। तो गाइज हम इसको पहले फिट बिठा देते हैं। तो गाइज यहाँ पे मेरे को जैसे कि लग रहा है यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। सो गाइज यहाँ पे जो हमें एक्स्ट्रा पार्ट्स यहाँ से जो नहीं चाहिए हम उसको इरेजर टूल से इरेज कर देंगे। गाइज यहाँ से थोड़ा सा मैं साइज़ बड़ा कर रहा हूँ और गाइज यहाँ से मैं हाथ के ऊपर से ये इरेज कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके वेल गाइज, सो यहाँ पे मेरे को ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो गाइज थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म करके इसको, हाँ गाइज, सो हाँ गाइज आप देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। हम इसमें और छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम जस्ट लेयर में जाएंगे और एक हम एम्प्टी लेयर चूज़ करेंगे। एम्प्टी लेयर चूज़ करने के बाद दोबारा ऐड फोटो जाएंगे और ऐड फोटो में जाकर और एक जो पीएनजी फाइल है मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया है, आप वहाँ से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे जाके जस्ट इसका भी ब्लेंडिंग मोड जो है इसको स्क्रीन कर देना और यहाँ पे जैसा पोजिशन में मैंने लगाया है आप वहाँ पे इसको लगा देना। ऐसे लगेगा जो फैंसी वाली लाइट है वही हमारी सामने की तरफ आ रही है, उसका एक बहुत अच्छे से बोके बन रहा है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे शेडो लाऊंगा, शेडो नहीं गाइस यहाँ से थोड़ा सा कटिंग में, मतलब ये बैकग्राउंड वाइट था तो यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वाइट के ऊपर ब्लैक पेंट करूँगा। ओके सो वेल गाइस हमारा पिक्चर हो चुका है बिल्कुल रेडी। अब हमें यहाँ से इसको कर लेना है सेव। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 डॉट है वो उसको प्रेस करके हम जैसे इसको कर लेंगे सेव पिक्चर। गाइज इसका अगला स्टेप जो है आपको दोबारा से वही एडोब लाइटरूम मोबाइल में इसको इंपोर्ट कर लेना जो सेव करा है हमने फाइल अभी। सो वेल गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इंपोर्ट कर लिया हमारा जो फाइनल एडिट पिक्चर था। अब जस्ट इसमें थोड़ा सा हम कलर ग्रेड करेंगे जस्ट बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को मैच करने के लिए। सो गाइज हम थोड़ा सा पहले इसका लाइट देखेंगे कि लाइट कैसा लग रहा है। ऑटो में करा तो हमको ये पसंद नहीं आया तो हम मैनुअली इसको करेंगे। तो गाइज एक्सपोजर थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को हम कम करेंगे और गाइज हाइलाइट्स को भी हम कम करेंगे। देन शेडोज़ हम, हाँ जी गाइज जैसे कि आप देख रहे हो शेडोज़ को हमने थोड़ा कम रखा है और गाइज ब्लैक्स को थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा कम करेंगे और वाइट्स को भी कम करेंगे। और गाइज कर्व में आएंगे, कर्व में आने के बाद गाइज हमको जस्ट करना क्या है, हमको 2 डॉट बनाने हैं। तो गाइज ये जो 2-3 डॉट मैंने बनाया आप भी ऐसे बना लेना। तो गाइज जो नीचे वाला डॉट है इसको पकड़ कर हम जस्ट लाइटली इसको ऊपर करेंगे ताकि इसमें एक मैटी लुक आ जाए बहुत ही बढ़िया। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पिक्चर में एक बहुत ही बढ़िया मैट लुक आ चुका है। देन हम जाएंगे गाइज टेम्परेचर में, कलर में टेम्परेचर थोड़ा सा कम करेंगे और टिंट थोड़ा सा हल्का सा इसका बढ़ाएंगे। देन गाइज बारी आती है हमारी वाइब्रेंस की, वाइब्रेंस हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और सैचुरेशन थोड़ा सा कम करेंगे। गाइज ये सारी सेटिंग्स मैंने अपने पिक्चर के हिसाब से करी है तो गाइज ये आपके पिक्चर में वेरी हो सकती है। सो गाइज हम यहाँ पे कलर मिक्स में आ जाते हैं और गाइज हमारा जो फेशियल कलर है मतलब ऑरेंज कलर जो है उसका ल्यूमिनेंस बढ़ा देते हैं, रेड का बढ़ा देते हैं और पिंक पर्पल हमारे यहाँ पे ज़्यादा यूज़ है उसका भी हम ल्यूमिनेंस बढ़ा देंगे ताकि थोड़ी सी शाइनी लुक आ जाए हमारे पिक्चर पे। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फेस पे बहुत ही शाइनी सा एक लुक आ चुका है। गाइज हमें ऐसा ही एक लुक चाहिए था। तो गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ क्योंकि गाइज टेम्परेचर बढ़ाने में मेरे को लग रहा है कि अभी अच्छा और लग रहा है। देन गाइज हम क्लियरिटी की ओर बढ़ते हैं, क्लियरिटी हम थोड़ा सा इसका बढ़ा देंगे और गाइज जो हमारे डीएज है हम डीएज को भी थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और गाइज टेक्स्चर को भी हम हल्का सा इसको बढ़ा देंगे। गाइज आप देख सकते हो बहुत ही एक
HDR लुक आ रही है, फील आ रही है और ऊपर से मैट। सो गाइज हम थोड़ा सा शार्पनिंग इसका बढ़ाएंगे और नॉइज़ रिडक्शन और कलर नॉइज़ रिडक्शन इसको भी हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि गाइज़ एक स्मूथनेस भी आ जाए हमारे पिक्चर, साथ ही साथ हमारा पिक्चर क्रिस्प भी लगे। सो वेल गाइज हमारा पिक्चर हो चुका है रेडी, बट हमने पिक्चर एडिट तो कर लिया लेकिन हमने नी की तरफ ध्यान नहीं रखा। गाइज ये सिली मिस्टेक आप भी कर सकते हो गाइज, जस्ट हमको फेस पे ध्यान नहीं देना, हमको बॉडी के हर पार्ट, पिक्चर के हर पार्ट में ध्यान देना। सो वेल गाइज हम सेलेक्टिव टूल में आके यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट पेंट करके हम यहाँ पे एक्सपोजर इसका बढ़ा देंगे और गाइज कॉन्ट्रास्ट इसका थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ये जो हमारा जो नी है ये हमारे फेस या फिर एल्बो या फिर जो हैंड दिख रहा है उससे थोड़ा थोड़ा मैच खाने लगे। तो गाइज परफेक्ट, अभी मेरे को ये लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट। टेम्परेचर थोड़ा हमने इसका बढ़ा दिया, येल्लो टोन आ चुका है जैसे फेस में भी है। देन गाइज बारी आती है हमारे दूसरे नी की, हम उसको भी ऐसे ही पेंट करके उसका भी एक्सपोजर बढ़ा देंगे। सो वेल गाइज हमारा पिक्चर हो चुका है बिल्कुल रेडी, अब हम इसको करने वाले हैं सेव। तो गाइज जब आप सेव करो तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे सबसे हाई रेजोल्यूशन में ही इसको सेव करें। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज प्लीज़ मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप, और गाइज कमेंट में बता देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, तो मैं गाइज आगे भी ऐसी वीडियोस छोटी छोटी लाता रहूँगा। और गाइज न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हम मेरी कोई अगली वीडियो मिस ना कर पाए। सो गाइज वीडियो में एम रखते हैं 60 लाइक्स की। आई नो गाइज कि आप कर लोगे 60 लाइक्स, गाइज ये बहुत बड़ा एक नंबर तो नहीं है बट मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। और गाइज आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो गाइज तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ, बाय बाय।